वेलकम टू माई चैनल स्नेहागर केक आर्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं स्नेहागर स्पेशल चिली मोमोज। तो जिसने जिसने ये खाए हैं और बनाए हैं तो उनको पता ही होगा ये कितने यम्मी लगते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सफोला ऑयल लिया है, उसमें मैंने ये मोमोज डाल दिए फ्राई करने के लिए। तो ये 10 मोमोज थे, मैं बाहर से लेके आई थी, बाहर के हैं ये पनीर मोमोज हैं। तो मैंने क्या किया था, इसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल और लिया, उसमें मैंने 4 से 5 कली लहसुन की थी, 3 हरी मिर्च थी और एक छोटा वाला प्याज था, उसको मैंने फ्राई होने डाल दिया। ये हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक मुझे ये करना था। देन उसके बाद में बस थोड़े से प्याज और थे जो मैंने लच्छे उसमें स्टाइल में काटे थे, ऑनियन मैंने वो भी डाल दिए। वो डालने के बाद ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। जब ये फ्राई हो जाएंगे तो अब हम इसका सॉस बनाएंगे, ठीक है। तो हम चिली सॉस बनाने के लिए क्या क्या लेंगे, हम लेंगे वैनेगर लेंगे और उसके बाद हम इसमें सोया सॉस और रेड टमाटो सॉस और ग्रीन चिली, ये सारी चीज़ें हम मिला देंगे और थोड़ा सा हम इसमें सिट्रिक एसिड डालेंगे जिससे कि उसकी जो टेस्ट है ना वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल का हो जाता है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे, कॉर्नफ्लावर में हम पानी मिला के और डाल देंगे तो उसका टेक्स्चर देखो कितना अच्छा हो गया है। ये मैंने थोड़ी सी ली थी मोमोज़ की चटनी, क्योंकि मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने मोमोज़ की चटनी ले ली थी। देन उसके बाद मैंने इसमें मेयोनीज डाल दिया, क्योंकि सब लोग इतना स्पाइसी नहीं खाते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो मैंने उनके लिए थोड़ा बैलेंस बनाया कि जो वो भी खा सके और मैं भी खा सकूं। तो अब देखने में आपको लग रहा होगा ये कितने यम्मी लग रहे हैं और खाने में सच में बहुत यम्मी थे यार। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, घर में बन जाता है, घर की चीज़ें ही होती हैं। और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे बताना कैसे बने हैं। बाय बाय।